और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, रुक करते इस बड़ी खबर का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा फैसला यहाँ पर सामने आया है। सपा के सभी तरह के प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला लिया। अखिलेश यादव ने यूथ विंग भंग कर दी, राज्य और जिला कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा फैसला सुनाया, नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा फैसला है, राज्य और जिला कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया गया है। इसके अलावा नरेश उत्तम प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे। सपा के सभी प्रकार के प्रकोष्ठों को भंग करने का ऐलान यहाँ पर अखिलेश यादव की ओर से, बड़ा फैसला सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और राज्य और जिला कार्यकारिणी भंग करने का ऐलान किया गया है। सभी प्रकार के जो सपा के प्रकोष्ठ है उन्हें भंग किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है, समाजवादी पार्टी के सभी तरह के प्रकोष्ठों को भंग करने का फैसला लिया है। और अखिलेश यादव ने यूथ विंग को भी भंग कर दिया है, राज्य और जिला कार्यकारिणी भी भंग करने का ऐलान अखिलेश यादव की ओर से किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। ये तमाम बड़े फैसले अखिलेश यादव की ओर से लिए गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा फैसला, सपा के सभी तरह के प्रकोष्ठों को भंग करने का फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव की ओर से यूथ विंग की बात की जाए, इसे भी भंग करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा राज्य और जिला कार्यकारिणी भी भंग करने का फैसला लिया गया है, और ये बड़ा फैसला अखिलेश यादव की ओर से लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश उत्तम प्रदेश के अध्यक्ष बने रहेंगे, ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे। अखिलेश यादव का बड़ा फैसला सामने आया है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है कि सपा के जितने भी प्रकोष्ठ है उन्हें भंग कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। साथ ही बीजेपी में बगावती तेवर रखने वाले ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच में ये मीटिंग हो रही है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है ये मीटिंग होते हुए, आने वाले उपचुनावों को लेकर जरूर कोई नई रणनीति तैयार होने वाली है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ अनिकेत तिवारी, हिंदी खबर, लखनऊ। संवाददाता अनिकेत तिवारी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, खबर आ रही है कि जो राज्य और जिला कार्यकारिणी उसे भी भंग करने का ऐलान किया गया, तमाम प्रकोष्ठों को भंग करने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आज ओम प्रकाश राजभर आज मीटिंग में आए थे, लगभग एक घंटे अखिलेश यादव और ओम प्रकाश जी राजभर के बीच में आज मीटिंग चली है, और उपचुनाव नजदीक आने वाले हैं जिसको लेकर सपा अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। लोकसभा में जिस तरह से करारी हार मिली है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग हुई है और जिस तरह से जिला कार्यकारिणी जो भंग की गई है, ये उपचुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी मद्देनजर रखती है। और आज ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी आज काफी एक घंटे बैठक चलती रही अखिलेश यादव के साथ में, काफी सरगर्मियां और अटकलें लगाई जा रही हैं कि किस तरह से रणनीति तैयार करनी है उपचुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति रह सकती है अनिकेत, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सारे प्रकोष्ठों को भंग करने का ऐलान यहाँ पर लिया गया है अखिलेश यादव की ओर से। जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में जिस तरह से हार मिली थी, उस हार में कई चीजों में जब कयास लगाया गया तो देखा गया कि जो जितने भी कारकारिणी थी उन पर सभी कारकारिणियों को जब आकलन किया गया तो जितना कार्रवाई जितना कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए उतना जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हुआ था, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी काफी खासा नाराज दिख रहे थे, और जिसको लेकर बैठकें भी कई दिनों से बराबर चल रही थी। और आज ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के साथ में बैठकर अखिलेश यादव के साथ बैठकर एक घंटे बैठकर मीटिंग की है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कोई नई रणनीति समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिलेगी आने वाले समय में। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिकेत तमाम जानकारी के लिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बड़ा फैसला है, आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं, अहम खबर। सपा के सभी प्रकार के प्रकोष्ठ भंग करने का ऐलान किया गया है अखिलेश यादव की ओर से। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।